हाल चाल बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो रिलेटेड है आपके किस इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो दिस इज़ रिलेटेड फॉर BA नेशनल PG कॉलेज। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक है फॉर द स्टूडेंट हु प्रिपेयरिंग फॉर BA नेशनल PG। ठीक है, इस जो मैं क्वेश्चन आज डिस्कस करूँगा उसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ढूंढ करके कंपाइल करके लेकर के आए हैं। सो दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर LU इंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ बी फोकस ऑन इट। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा कोर्स को परसेज करना, एंड इफ़ यू वांट एनी क्रैश कोर्स, बिकॉज अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम बचा है आप लोग के पास में, तो या तो आप लोग क्रैश कोर्स ले लो या तो पूरा बैच परसेज कर सकते हो एट दी वेरी 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 एफोर्डेबल प्राइस विच वी आर प्रोवाइडिंग एट LU अपडेट ऐप। ठीक है, वेयर वी हैव डिजाइंड ऑल दी कोर्सेस ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी एट दी लोवेस्ट एंड मिनिमम कॉस्ट डैट यू ऑल कैन ईजिली BEd इट। ठीक है, अगर आपने LU अपडेट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर से उसको तुरंत डाउनलोड करके, और वहाँ पे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो बैच आपको प्रिफरेंशियल लगे उसको परचेज करके अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कीजिए और इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन कराइए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर इज कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं। ये पूछ रहा है कि अभिनव बिंद्रा इज रिलेटेड टू विच गेम। सो अभिनव बिंद्रा जो है इट इज रिलेटेड टू द इंडियन शूटर। एक शूटर का गेम होता है, उस गेम से अभिनव बिंद्रा जो है रिलेटेड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ कि बुकर प्राइज किस लिए दिया जाता है। बुकर अवार्ड इज गिवेन फॉर व्हाट पर्पज, किस फील्ड में दिया जाता है। बुकर प्राइज इज गिवेन फॉर द लिटरेरी प्राइज। ठीक है, ये बुकर पुरस्कार क्या है, एक लिटरेरी प्राइज है। एंड ये कब दिया जाता है, वेन फॉर द बेस्ट नॉवेल राइटिंग इन इंग्लिश एंड पब्लिश इन यूनाइटेड किंगडम। बुकर प्राइज जो है एक लिटरेरी प्राइज है। ठीक है, ये पूछ दिया जाए कि बुकर प्राइज किससे रिलेटेड है, यू हैव टू आंसर इट इज रिलेटेड टू लिटरेरी प्राइज। ठीक, और ये दिया जाता है फॉर द बेस्ट, जो बेस्ट नॉवेल लिखता है इंग्लिश में, जो नॉवेल लिखता है बेस्ट नॉवेल हु हैज रिटन इन इंग्लिश इंग्लिश में। और पब्लिश कहाँ पे होना चाहिए, तो इट शुड बी पब्लिश इन यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, तो आपको बुकर प्राइज मिलेगा, डेट इज लिटरेरी प्राइज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि टिहरी बांध कहाँ स्थित है। टिहरी बांध इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि लोहे पे जंग लगना कैसी प्रक्रिया है। तो मान लीजिए आयरन रोड है, इस पे आप लोग धूप में रखते हो, बाहर रखते हो, तो कुछ टाइम बाद आप लोग देखते हो कि वो रस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक, ऐसे ऐसे ब्लूइश कलर इस पे, रेडिश ब्राउन कलर आ जाते हैं, तो उसको हम लोग उस पे जंग लग जाते हैं, तो जो जंग लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो लोहे पे जंग लग जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, कि जो लोहा है उस वो रस्ट हो गया, वो रस्टिंग हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोजन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रोजन। ठीक है,
जब लोहे पे रस्ट लग जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान कब बनके तैयार हुआ था। ठीक, वेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड आउट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, बनके तैयार हो गया था। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को बन गया था। ठीक है, लेकिन लागू कब से हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 में जो है अपना भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये दो डेट आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा संविधान से रिलेटेड कि संविधान कब बन के तैयार हुआ था। तो ये कब बन के रेडी हो गया था, तो 26 नवंबर 1949। लेकिन बच्चों अब अगर ये पूछे कि संविधान अपना भारतीय संविधान कब लागू हुआ था भारत में, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा। ठीक है, कि वीडियो ख़त्म होने के बाद इजी होगा आप लोग को रिवाइज करने में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो ये है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, सो पृथ्वी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। द केव्स ऑफ अजंता इज फेमस फॉर व्हाट पर्पज। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट रॉक कट। तो अजंता की गुफाएं जो है बुद्धिस्ट के लिए फेमस हैं। ठीक है, ये सिंपल में आप लोग देख लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। अब जंतर मंतर कहाँ है, वेयर द जंतर मंतर इज सिचुएटेड। सो जंतर मंतर इज सिचुएटेड इन जयपुर। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंतर मंतर कौन बनवाया था। सो जंतर मंतर इज बिल्ड बाई सवाई SAWAI। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो जंतर मंतर कहाँ स्थित है, इट इज सिचुएटेड इन जयपुर। एंड हु बिल्ट द जंतर मंतर, तो इट इज बिल्ट बाई सवाई जय सिंह। ठीक है, SINGH। तो सवाई मतलब SAWAI, जय JAISHSINGH, सवाई जय सिंह ने इसको बिल्ड किया था, बिल्ड किए करवाया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनेस्को, दैट इज यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पे है, तो ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ऐसे ही ये पूछ रहा है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे। सो द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन पेरिस। और पेरिस कहाँ है बच्चों, तो पेरिस इज इन फ्रांस। ठीक है, ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। सो द करेक्ट आंसर इज इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था। ठीक है, ये जो रॉलेट एक्ट है ये किससे संबंधित। सो रॉलेट एक्ट
किससे संबंधित था तो रॉलेट एक्ट दादा भाई नरोजी से, मतलब इसका जो रॉलेट एक्ट है ये किससे संबंधित था, तो ये जो था रॉलेट एक्ट बिना किसी वारंट के या बिना किसी ट्रायल के लोगों को, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेता था इस एक्ट के अंदर, इस रॉलेट एक्ट के अंदर विदाउट एनी ट्रायल और विदाउट एनी वारंट पुलिस अरेस्ट द पर्सन, ठीक है, बिना किसी अरेस्ट के और बिना किसी ट्रायल के और बिना किसी वारंट के पुलिस जो है पीपल को अरेस्ट कर लेता था उस टाइम, तो इस एक्ट के द्वारा। तो इसी एक्ट को हम लोग कहते हैं ना अपील ना दलील, सीधा गिरफ्तारी होता था इसमें, ठीक है, एक कहावत थी उस टाइम चल रही थी, ठीक। सो ये रॉलेट एक्ट जो है ये कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था आपका मार्च 1919 में, ठीक है। सो ये जो अगर क्वेश्चन आता कि रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था, तो रॉलेट एक्ट इज रिलेटेड टू द अरेस्ट ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है, ठीक है। सो द स्टेटमेंट इज सेड बाय द महात्मा गांधी कि द सोल ऑफ इंडिया लाइज इन विलेज, ठीक है, कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, इसको महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। और हाँ, इसका ये क्वेश्चन जो है कि रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था दादा भाई नरोजी से, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया कि भारत की आत्मा किससे संबंधित, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, कथन किसने कहा था, तो दिस इज स्टेटेड बाई महात्मा गांधी जी, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्याज की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है। सो द प्याज की सर्वाधिक खेती जो है ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज की खेती की जाती है, उसके बाद से कर्नाटका में होती है। सो द फर्स्ट स्टेट हु प्रोड्यूस द ओनियन मोर एज कंपेयर टू अदर स्टेट इज महाराष्ट्र, उसके बाद से दूसरा पे आता है कर्नाटका। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन इन द कंट्री इज महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र स्टेट, एंड सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इज केरला, कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिलाओं के लिए किन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता दी गई है। सो ये जो मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट, किस फंडामेंटल राइट के अंडर में वुमेन को फ्रीडम मिला है, राइट मिला है, ठीक है। सो आर्टिकल 14 है एक, ठीक, आर्टिकल 15 भी बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, कल्चर, सेक्स, रिलीजन, ठीक है। और आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन फ्रॉम इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि यह पॉसिबल नहीं सारा लिखना, मैं बोल दे रहा हूँ कि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सारे पर्सन को, वेदर इट इज मैन और वुमेन, सारे को क्या मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब सबको समान अधिकार मिलेगा, इक्वल एज रखे जाएंगे बिफोर द लॉ, कानून के पहले, मतलब कानून के सामने, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब वुमेन हो या मैन हो सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा कानून, ठीक, ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर, सेक्स, रिलीजन, ठीक है। और ये सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो महिलाओं के लिए ही सिर्फ बना है वो है 15 सब क्लॉज 3। इसमें क्या होता है कि स्टेट है पावर टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर
वुमेन एंड चिल्ड्रेन। स्टेट के पास क्या है कि स्पेशल प्रोविजन है कि कुछ स्पेशल लॉज बना सकती है किसके लिए, वुमेन के लिए और चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके क्या क्या ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, सो आर्टिकल 14 इज ऑल्सो रिलेटेड विद वुमेन, 15 ठीक है एंड 15 सब क्लॉज 3 ठीक। आर्टिकल 19 इज ऑल्सो रिलेटेड द कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैन हो वुमेन हो सबको मिला। लेकिन अगर पूछेगा कि सिर्फ स्पेशली वुमेन को कहाँ राइट मिला है, तो वो है आपका आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में। इसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि वुमेन को स्टेट चाहेगा तो वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हिंदी भाषा किस, हिंदी भाषा का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। सो हिंदी वर्ड इज यूज्ड इन आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1, 4, 1, 4, 9, 16, 25 के बाद क्या है। मान लो 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है, अब बताओ 25 के बाद क्या आएगा। तो इसको पहले आप देखो कि इसका सिस्टमेटिक वे क्या ही कैसे बढ़ रहा है। तो पहले 4 में से आप 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा ठीक। अब 9 में से 4 माइनस करो कितना आएगा, 5 आ रहा है ठीक। अब 16 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। अब 25 में से 16 माइनस करोगे कितना आएगा, 11 आएगा। तो अब देखो ये जो माइनस किए हो तो ये ऑड नंबर में बढ़ रहा है, जैसे कि 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 11 है। तो ये मतलब फिक्स है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 13 आएगा। तो अब ऐसा नंबर आप लोग 25 के बाद बताओ, 25 से बड़ा, कि उस नंबर से अगर हम 25 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 13 आएगा। सो इफ़ वी पुट 36 हियर, तो अगर 36 में से 25 माइनस करते हैं तो 13 आएगा ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे से बढ़ रहा है कि नहीं, ऑड नंबर 3 आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया, फिर 13 आया। सो करेक्ट आंसर इज 36 जो है रिक्त स्थान पे भरा जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तात्या टोपे किससे संबंधित थे। सो तात्या टोपे इज रिलेटेड टू द एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लीडर ऑफ इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 टू 1858। अब तात्या टोपे का बर्थ कब हुआ था, तो ही बॉर्न इन 1813 एंड डाइड इन 1859 ठीक है बच्चों। सो आई होप कि ये तात्या टोपे जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि तात्या टोपे किससे रिलेटेड संबंधित थे। सो ही इज अ लीडर ऑफ इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 एंड 1858 ठीक। और ये बॉन्ड कब हुए थे, तो इन 1813 एंड डाइड कब हुए थे, डेथ कब हुआ था, तो 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की किस नदी को सबसे गंदी नदी घोषित कर दिया गया है। विच रिवर ऑफ यूपी इज डिक्लेयर्ड एज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ठीक है। सो यमुना रिवर ऑफ यूपी इज डिक्लेयर्ड एज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक है 2018 में किस देश में रामायण शुरू की थी। इन विच कंट्री आवर रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी हैज स्टार्टेड रामायण इन 2018। सो इन नेपाल, सो करेक्ट आंसर इज नेपाल ठीक। मूविंग फर्दर
कि निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का भाग नहीं है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है म्यांमार जो है दक्षेस का भाग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान में जो है ये चांदी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि खिलौना बनाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो चिकनी मिट्टी जो है वो सबसे उत्तम मानी जाती है, सबसे सही और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है खिलौना बनाने के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि किस राज्य ने 2022 में पानी बचाओ अभियान शुरू किया था। विच स्टेट हैज स्टार्टेड सेविंग ऑफ द वाटर अभियान इन 2022। सो अपना स्टेट है जो वो है उत्तर प्रदेश ने पानी बचाओ अभियान 2022 में स्टार्ट किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि डांडी यात्रा किससे प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहले आप लोग समझिए डांडी यात्रा होता था क्या। ठीक, सो ये जो डांडी यात्रा है इसको किसने स्टार्ट किया था, तो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था पहली बात। ठीक, और कितने लोगों के साथ में स्टार्ट किया था, विथ 80 फॉलोवर्स। ठीक है, एक खुद गांधी जी थे प्लस 80 उनके फॉलोवर थे जिन्होंने डांडी यात्रा स्टार्ट किया था। और ये डांडी यात्रा कितने डिस्टेंस तक चली थी, तो ये 241 माइल्स तक ये डांडी यात्रा चली थी। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। ठीक है, ये तो आपका हो गया कि डांडी यात्रा होता क्या, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये दिस इज फेमस फॉर दी यू कैन से दैट कि टू ब्रोक दी साल्ट लॉ। ठीक है, ये जो नमक का कानून था उसको ब्रेकआउट करने के लिए ये डांडी यात्रा प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, और ये डांडी यात्रा के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने, तो इट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, जैसे सॉल्ट लॉ ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कब हुआ, इन 1930। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा इसको कॉपी पे अपने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत का पहला उपग्रह किस नाम से था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है आर्यभट्ट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो पूंछ किससे संबंधित है, तो पूंछ इज रिलेटेड विथ फाइटिंग गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस ग्रह पर गोला तूफान आता है। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर वो है वरुण ग्रह है जिस पे गोला तूफान आता है, वरुण ग्रह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बांधों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जिसका आंसर होगा केवल ला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बांधों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि पक्षियों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है। सो इसका भी आंसर है ये होगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान इज फेमस फॉर दी बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो ये बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा
उपग्रह हैं, ठीक है, इसके सबसे आधे उपग्रह हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि राज तरंगिणी के रचयिता कौन थे। सो राज तरंगिणी के रचयिता कौन थे, कलहन थे, ठीक है, कलहन, ठीक। अब राज तरंगिणी किसे कहा जाता, तो राज तरंगिणी सिंपल वे में राजाओं की नदी को कहा जाता था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता आपको कि राजाओं की नदी को क्या कहा जाता था, कि लेमैन लैंग्वेज में तो राजाओं की नदी को राज तरंगिणी का एज अ वर्ड जाना जाता था। और राज तरंगिणी को के रचयिता कौन थे, इसको लिखा कौन था, तो इसको कलहण ने लिखे थे, ठीक है। मूविंग फर्दर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। सो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती इस्टैब्लिश्ड द आर्य समाज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। सो पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि शिव कुमार वर्मा जो थे वो किस वाद्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। दैट इज कि शिव कुमार जो है किस वाद्य के सबसे प्रसिद्ध कलाकार माने जाते थे। सो ये जो संतूर वाद्य है उसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन माने जाते थे, शिव कुमार वर्मा। तो करेक्ट आंसर होगा संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, डांस है, वो किस राज्य से रिलेटेड है। सो द करेक्ट आंसर इज केरल। सो मोहिनी अट्टम नृत्य इज रिलेटेड टू द केरल स्टेट, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि पशुओं को कौन सी दवा लगाने के कारण गिद्ध की प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा दवा या मेडिसिन जो है हम लोगों ने पशुओं को दिया था जिसके वजह से गिद्ध की गिद्ध जो प्रजाति होती है वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गया था, ख़त्म हो गई थी, हो गई है, ठीक है। सो डाइक्लोरोफेनाक नाम का एक मेडिसिन होता है, डाई मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, डाई क्लोरो फेनाक पी एच ई एन ए के। सो डाई क्लोरो फेनाक इट इज अ टाइप ऑफ अ मेडिसिन विच इज गिवेन टू पशुओं को दिया गया था जिसके वजह से जो गिद्ध थे वो विलुप्त हो गए थे, ठीक है। अब कैसे हुए थे, क्या हुआ कि ये मेडिसिन जो है पशुओं को दिया गया था जिसके वजह से कुछ निगेटिव रिएक्शन के कारण ये जो पशु थे वो क्या हो गए थे, उनकी मृत हो गई थी, जिसके वजह से गिद्ध स्टार्टेड बाइटिंग देम, मतलब गिद्ध जो उसको स्टार्टेड ईटिंग देम। और जो गिद्ध जो है पशुओं को लगे जब खाने तो ऐसे पशुओं को कौन सी ऐसे कैसे को डिजीज हो गया था, डाइक्लोरोफेनाक, तो वो डिजीज कंटेंट किए ही पशु मर गए थे, जिसके वजह से गिद्ध जब उस पशु को खाने लगे तो वो जो डिजीज है गिद्ध में भी ट्रांसफ़र हो गई, तो जिसके वजह से वही डिजीज जो है गिद्ध को भी लग गई, जिसके वजह से गिद्ध जो की प्रजाति है वो विलुप्त होने लगी, और अभी तक मैक्सिमम जो है गिद्ध की प्रजाति विलुप्त हो गई है, ठीक है। सो
आज ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ में आया हो, ये होगा ये वीडियो वो लेक्चर पूरा। इफ़ यू एंजॉय द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। और हाँ, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो इन डेप्थ एंड इन डिटेल देन यू कैन विजिट टू आवर एलयू अपडेट ऐप, ठीक है, और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर वेयर वी हैव डिजाइंड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कोर्स फॉर BA LLB एंड अदर कोर्सेज ऑल्सो, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी तैयारी करवाती है, इंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है एट द वेरी लोवेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ विजिट ऑन एलयू अपडेट ऐप और वहाँ पे जाकर के अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोर्सेज परचेज कर सकते हैं जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, एट दी वेरी लोवेस्ट कॉस्ट, ठीक। सो बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ हो तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर डैट क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे।